अस्सलाम वालेकुम आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में रिसर्च डिज़ाइंस को हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए सो आइए आउटलाइन की तरफ चलते हैं आज जो हम लोग रिसर्च डिज़ाइन स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास तीन रिसर्च डिज़ाइंस आएंगे नंबर वन इज़ डिस्क्रिप्टिव नंबर टू इज़ कोरिलेशनल एंड नंबर थ्री इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है एक रिसर्च डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिक मेथड होता है जो एक रिसर्चर यूज़ करता है अपनी रिसर्च में जिसमें थ्री स्टेप्स आते हैं नंबर वन इज़ कलेक्शन ऑफ़ द डेटा नंबर टू इज़ एनालाइजेशन ऑफ द डेटा एंड नंबर थ्री इज़ इंटरप्रटेशन ऑफ द डेटा ये तीन स्टेप्स जो हैं ये यूज़ होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ जो होती हैं उसमें आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को स्टडी नहीं करते बिटवीन द वेरिएबल्स। जब आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को स्टडी नहीं करते बिटवीन द वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड या फिर क्वालिटेटिव स्टडीज़ इस तरह की जो आपके पास स्टडीज़ होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं बहुत ही जर्नल और स्पेसिफ़िक बिहेवियर्स को या फिर एट्रीब्यूट्स को जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं और जो आप मैयर करते हैं अब अर्ली स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है कि आपके लिए हाइपोथेसिस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली तब जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है उस एरिया में एग्जिस्ट ना कर रहा हो जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे होते हैं इसी वजह से अगर आप उसमें एक शुरू से ही आप एक अनक्लियर आपके पास एक आइडिया होता है तो उसकी वजह से आप एक प्री मेच्योर सा एक आपके पास क्वेश्चन रेज होता है आप एक प्रॉपर हाइपोथेसिस नहीं बना सकते तो रिसर्चर क्या करते हैं सबसे पहले वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी को लेकर चलते हैं वो सबसे पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं देखते हैं कि उस टॉपिक में क्या क्या ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो वो स्टडी करना चाहते हैं उसके बाद ही वो एक अप्रोच की तरफ चलते हैं कि वेदर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को यूज़ करना है या को अप्रोच को यूज़ करना है टू एड्रेस अ स्पेसिफिक आई अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती हैं सबसे पहले आपके पास आता है केस स्टडीज़ सेकेंड आपके पास आता है सर्वेस और थर्ड आपके पास आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन केस स्टडी बेसिकली होती क्या है केस स्टडीज़ में आपके पास वन या उससे ज़्यादा इंडिविजुल एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है यानी एक या एक से ज़्यादा लोगों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को जब आप रिकॉर्ड करते हैं उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं और उसको एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के तो तब हम कहते हैं कि ये केस स्टडी है अब केस स्टडी डिपेंड करता है कि आप ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स पर कर रहे हैं या ऐसे इंडिविजुअल्स पर कर रहे हैं जिनके अनयूजल से या एबनॉर्मल एक्सपीरियंसिस हैं फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स पर भी होती है जैसे जॉन प्याजट ने अपनी जो थ्यूरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट दी थी वो उसने अपने ही बच्चे को ऑब्जर्व करके जो है उसको स्टेजेस को डिस्क्राइब किया था लेकिन मोर फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि जो केस स्टडीज़ होती हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है वो आ, ऐसे इंडिविजुअल्स पर कंडक्ट की जाती हैं जिनके अब, अब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो अपने आप को जो है मुश्किल सिचुएशंस में पाते हैं उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है स्ट्रेसफुल इवेंट्स में और वो एक डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करते हैं डिफरेंट सिचुएशनस में अब सेकेंड जो आपके पास मैथड यूज़ होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वो है सर्वे सर्वे बेसिकली होता क्या है सर्वे में आप जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू इंटरव्यूज़ या फिर रिटर्न क्वेश्चन के जरिए ठीक है आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है उन लोगों की जिन पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं उन लोगों के बिलीव्स उन लोगों के बिहेवियर्स को आप बेसिकली एज़ अ सैम्पल कलेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है अब जो लोग आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या जो लोग आप चूज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं सैम्पल अब वो जो लोग होते हैं वो उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो आप जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं या जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो लोग उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन फ़ॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं उन लोगों की पॉपुलेशन में से ही लोगों को चूज़ करूँगी जो कि लाइकली वोटर्स होंगे जो कि अगले इलेक्शंस में इनके चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये जो हैं वोट देंगे तो अब वो लाइकली वोटर्स की पॉपुलेशन में से मैं कुछ लोगों को जो चूज़ करूँगी तो वो मेरा सैम्पल हो जाएगा अब जो आपके पास सर्विस के रिजल्ट्स होते हैं वो कभी कभी एवरीडे लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं या वो कभी कभी शॉकिंग भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि वो मेंटेन या एवरीडे लाइफ से रिलेटेड आपके पास कोई रिज़ल्ट आया है तो वो ऐसे हो सकता है कि नाइन आउट ऑफ टेन डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं अच्छी डाइट को ठीक है अगर मैं कहूं कि सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो शॉकिंग आई हैं तो हम लोग इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोर देन सिक्सटी ऑफ वेमेन बिटवीन द एजेस ऑफ़ फिफ़्टी एंड सिक्सटी सफ़र फ्राम डिप्रेशन ठीक है तो बेसिकली आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज होती है साइकोलॉजिस्ट जो उसको यूज करते हैं वो इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस जो है वो कितना ज्यादा प्रिवेल करी आपकी सोसाइटी में अब फाइनल टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपके पास आती है वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी रिसर्च होती है जो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे इवेंट्स पर ठीक है आपके जो एवरी डे इवेंट्स होते हैं उनको आप बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो चिल्ड्रन को देख रहा है कि वो प्लेग्राउंड में किस तरीके से खेल रहे हैं या आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो उनको नेचुरल ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर एक बायो साइकोलॉजिस्ट है तो वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल हैबिटेट में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं या कैसे आपस में वो बिहेवियर शो करते हैं ठीक है तो ये आपके पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स आ गई हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की जिसमें हमने तीन स्टेप्स को पढ़ा सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें आपके पास केस स्टडीज़ आती हैं उसके बाद आपके पास जो है वो सर्विस आते हैं और उसके बाद आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास अब रिसर्च डिज़ाइन आता है वो है को रिलेशनल स्टडी को रिलेशनल स्टडी में क्या होता है कि ये इस टाइप का रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप को देखते हैं को रिलेशनल स्टडीज़ जो होती है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है यानी जो एक्सपेरिमेंटर होता है या जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है वो जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता और उनको वो मैनुपलेट नहीं कर सकता अब हम को स्टडी को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो हाइट और वेट हैं तो वो सिस्टमेटिकली रिलेटेड हैं आपस में अब सबसे पहले हाइट और वेट वो वेरिएबल्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक है जो कि जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है सो so ये आपस में किस तरीके से को रिलेटेड हैं वो ऐसे हैं कि जो टॉलर पीपल होंगे उनका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू तो शॉर्टर पीपल सिमिलरली एक और एग्जाम्पल में स्टडी टाइम और मेमोरी एरर्स को देखा गया है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं तो जितना ज़्यादा एक इंसान जो है वो टाइम देगा स्टडी को लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद करने में उतने ही कम उसके एरर्स होंगे सो so ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेशनल स्टडी के अब आपके पास तीन तरह के को आ सकते हैं आपकी स्टडी में नंबर वन इज़ पॉजिटिव नंबर टू इज़ नेगेटिव नंबर थ्री इज़ नो कोरिलेशन यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द टू वेरिएबल्स पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जो वेरिएबल्स आप यूज़ करें अपनी स्टडी में वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं एट द सेम टाइम यानी एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी साथ इंक्रीज होगा एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि सन और वाइटामिन डी का आपस में क्या कनेक्शन है या कैसे ये कोरिलेटेड रिलेटेड है तो जितनी ज़्यादा सन आपको मिलेगी उतना ज़्यादा वाइटामिन डी का डोज आपको मिलेगा ठीक है यानी एक वेरिएबल इंक्रीज़ है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है नेगेटिव को में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी डाइट आपको स्ट्रेस कितना ज़्यादा जो है आपको कम स्ट्रेस दे रही है यानी आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप लेस स्ट्रेसफुल फील करेंगे यानी डाइट अच्छी होना डाइट इ... का अच्छा होना अगर आप इंक्रीज करें हैं, तो जो आपका स्ट्रेसफुल जो आपका एक एलिमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन हर्ट जो है वो हमारे पास नो no कोरिलेशन होता है यानी कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरम्यान में कोई रिलेशनशिप नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे वेरिएबल्स हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा अगर मैं टी कंज्यूम करती हूँ तो मेरा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे वो असर कर रही है कि नहीं यानी कि टी ड्रंक और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मेरे दो वेरिएबल्स हैं इनके दरम्यान में जीरो कोरिलेशन है क्योंकि टी का कोई कनेक्शन नहीं है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ आप जितना ज़्यादा चाय पिए उसका कोई कनेक्शन नहीं है आपकी इंटेलिजेंस के साथ तो इसको हम कहेंगे कि कोई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के दरमियान में यानी जीरो को रिलेशन है थर्ड जो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन आता है जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है साइकोलॉजी की फील्ड में वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड ठीक है एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो मैन्यूपलेट करता है एक वेरिएबल को ताकि वो उसका कॉज देख सके दूसरे वेरिएबल पर ठीक है एक वेरिएबल को वो मैनोपलेट करता है और दूसरे वेरिएबल पर उसका चेंज देखता है तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड अब एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो डिफरेंट um, जो है वो बिहेवियर्स um, पर जो है उसको स्टडी करने के लिए अप्लाई किया जाता है जिसमें हमारे पास अटेंशन हो सकती है कॉग्निशन हो सकती है इमोशंस हो सकते हैं मेमोरी और परसेप्शन हो सकती है सेंसेशन हो सकती है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर्स ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट विजुअल पैटर्न्स जो हैं वो आपको इम्पैक्ट करते हैं आपकी परसेप्शन पे। यानी मैं डिफरेंट इमेजेस दिखा रही हूँ तो किस तरीके से जो आपके पास जो आम, लोग हैं वो उसको किस तरीके से परसीव करें हैं तो ये आपके पास एग्जाम्पल होगी एक्सपेरिमेंटल मैथड की अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो ये इफ़ेक्ट होता है जो आपका एक्सपेरिमेंटर या जो आपका रिसर्चर जो है वो मैयर करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जिसमें कॉज आ रहा होता है जिसमें चेंज आ रहा होता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपका रिसर्चर है वो ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी स्लीप जो है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है आपके टेस्ट कोर्स को ठीक है तो जो टेस्ट कोर्स होंगे आपके वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो आपकी स्लीप होगी वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा सेकेंड आपके पास जो आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो वो वेरिएबल होता है जो आपका एक्सपेरिमेंटल मैन्यूपलेट कर रहा होता है या फिर उसको कंट्रोल कर रहा होता है ठीक है तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि स्लीप जो होगी वो अब एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल कर सकता है कि वो आपको कितने घंटे दे सोने के लिए या कितने आ, किस तरीके से वो मैनुपलेट करे आपके स्लीप को ठीक है तो वो आपके पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थर्ड जो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आता है वो है हाइपोथेसिस ठीक है हाइपोथेसिस आपके पास एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है यानी एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सेप्ट uh, भी हो सकती है जो कि रिजेक्ट भी हो सकती है जिसके सपोर्ट में भी आप रिसर्च uh, कंडक्ट कर सकते हैं और जिसकी रिजेक्शन भी आ सकती है ठीक है तो अब वो टेंटेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो आपको ये बताती है कि क्या पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन टू या फिर टू से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरम्यान में ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्लीप को देखना चाह रहे हैं टेस्ट कोर्स के साथ तो आप ये हाईपोसिस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं पीपल हु गेट मोर स्लीप विल परफॉर्म बेटर ऑन मैथ टेस्ट ठीक है यानी जिनको ज़्यादा जो है अच्छी नींद मिलेगी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले दिन टेस्ट में तो अब ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये सपोर्ट इसके सपोर्ट में भी जा सकती है और इसकी रिजेक्शन में भी हाइपोथेसिस जा सकती है सो so, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस को स्टडी किया जो साइकोलॉजी में वाइडली यूज्ड होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज